अस्सलाम वालेकुम, आई एम मरियम मुनीर फ्रॉम मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। वेलकम टू प्री नर्सरी क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न उर्दू। लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, आज का हमने जो लफ्ज सीखना है वो है अलिफ मद आ। क्या है ये लफ्ज? अलिफ मद आ। ठीक है, इसकी आवाज होती है आ की, जैसे आम, आमलेट। ठीक है, आ की आवाज जो है वो होती है अलिफ मद आ की। चले अब हम अलिफ मद आ में कलर करते हैं। मैंने ब्लू कलर लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। ओके, शाबाश, कलर करें मेरे साथ। आपने कलर को अच्छे से पकड़ना है और एक ही पैटर्न में कलर करना शुरू कर देना है। करें शाबाश। और ये देखो बच्चों, हमारे अलिफ मदा में कलर हो गया। ठीक है, अब अलिफ मदा से जो लफ्ज बनता है वो है आम। ठीक है, ये क्या लफ्ज है? आम। तो मैंने ग्रीन कलर जो है वो यहाँ ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ करेंगे येलो कलर, क्योंकि आम तो पीले रंग का होता है ना, तो मैंने ये येलो कलर पकड़ा है। चलें शाबाश, मेरे साथ कलर करें स्टूडेंट्स। और बच्चों ये देखो, हमारे मैंगो में, आम में कलर हो गया है। ठीक है, आपने कलर को अच्छे से पकड़ना है और एक ही पैटर्न में कलर करना है, तो आपके कलर्स भी ऐसे ही नीट होंगे। ओके, चलें अब अपनी वर्कबुक खोलें। तो बच्चों ये है आपकी वर्कबुक, पेज नंबर 4। तो बच्चों आज हमने करना है अलिफ अंगूर। अलिफ की आवाज है अ। ठीक है, अलिफ की आवाज क्या है? अ, अंगूर। और क्या होता है अलिफ से शुरू? अंडा। अ की आवाज देखो, अंडा के बाद अनार। ठीक है, ये भी अलिफ से शुरू होता है। चले अब हम अलिफ को लिखना शुरू करते हैं। ये देखिए, वो कह रहे हैं डॉट के ऊपर आपने पेंसिल रख के नीचे लेके जानी है। चले स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये हमने डॉट पे पेंसिल रखी और ये है अलिफ। ये क्या है? अलिफ, अलिफ। ट्रेस आपने अच्छे से करना है, अलिफ। तो किड्स ये देखें, हमने अलिफ लिख लिया है। ठीक है, अब नीचे हमने खुद लिखना है। ठीक है, आपने ये डॉट पे रख के पेंसिल खुद लिखनी है, अलिफ 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 अलिफ। शाबाश, तो अब हमारा वर्कबुक का काम भी फिनिश हो गया। एक मिनट रुकें, ये देखें, ये अंगूर बने हुए हैं, तो हमने अंगूर में कलर्स करने हैं। ठीक है, ग्रीन कलर लें और कलर करें मेरे साथ यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे कलर हो गया, अब आपने लाइट ग्रीन कलर लेना है। ठीक है, ये लाइट ग्रीन कलर है, आपने ये अंगूर के अंदर करना है। करें शाबाश। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमने अंगूर में कलर कर लिए हैं। ठीक है, चले अब हम अपनी रीडिंग का काम करते हैं। रीडिंग की बुक खोलें। बच्चा एक मिनट, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पेज हमने क्लास वर्क में किया है, तो ये नोट कर लें। पेज नंबर 5 जो है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, पेज नंबर 5 आपका होमवर्क है, आपने घर से करके आना है। तो अब हम रीडिंग का काम करेंगे। अपनी ये बुक खोल लें। ये देखें, बे बस्ता। बे क्या है? ये लफ्ज है बे, जिसके नीचे एक नुक्ता हो उसको बोलते हैं बे। बे बस्ता। बे की आवाज है ब। ठीक है, अब हम और लफ्ज बनाते हैं ब से। ब से और क्या बनेगा? बिल्ली। बे बिल्ली। बे बतख। बे बंदर। ठीक है, बे की आवाज है ब, तो बे बस्ता। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है, इसके नीचे देखिए एक दो तीन, तीन नुक्ते हैं, तो जिसके नीचे तीन नुक्ते हैं उसको बोलते हैं पे। पे परिंदा। ये क्या है बेटा?
यह परिंदा। पे परिंदा। पे की आवाज है पौ। पे की आवाज क्या है? पौ। तो पौ से क्या बनेगा? पे से और कौन कौन से लफ्ज बन सकते हैं? पे से लफ्ज बनेगा पपीता। ठीक है, ये एक फ्रूट है। पौ से और कौन कौन से लफ्ज बनते हैं जो पे से शुरू होते हो? पे से बनेगा पतंग, पर, पर्दा, पापा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये पे से शुरू होते हैं। ओके, आपका ये लेसन है, चले पढ़े मेरे साथ। बे बस्ता, पे परिंदा। बे बस्ता, पे परिंदा। बे बस्ता, पे परिंदा। बच्चों आप लोगों ने ये लफ्ज बार बार पढ़ने हैं घर जाके, ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है आप बे और पे से खुद भी लफ्ज बनाए। जैसे मैंने आपको बताया ना, बे से लफ्ज और बनते हैं, बिल्ली, बतख, और पे से बनते हैं पर, पर्दा, पतंग। तो अब आप लोगों ने खुद सोच के ढूंढने हैं कि बे और पे से और कौन कौन से लफ्ज बनते हैं। बे की आवाज है ब, पे की आवाज है प। ठीक है, चलें, शाबाश। अब आपकी एक्टिविटी है, आपने ये खुद करनी है। अब हम पढ़ेंगे नज़में। तो चलें शाबाश, अपनी ये बुक खोल लें। आज हमने नज़म पढ़नी है, पानी बरसा छम छम छम। ठीक है, ये देखें, पानी छम छम बरसा है मतलब बारिश हो रही है, और ये बच्ची जो है ये अम्ब्रेला के नीचे बैठी है कि बारिश इसको भिगा ना दे। और देखिए इसके साथ कितनी प्यारी इसकी कैट है ना। चलिए अब हम पॉइंट पढ़ते हैं। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। चलिए एक दफा फिर पढ़ते हैं। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। एक दफा फिर पढ़ें। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। ठीक है, ये हमारी आज की पोएम है। आपने घर जाके इसे बार बार पढ़ना है, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो बच्चा ये देखें, ये हमारी आज की डायरी है उर्दू की। क्या करना है आपने? आपने होमवर्क करना है, वर्कबुक का पेज नंबर 5 करना है, बुक रीडिंग करनी है। बे ब बस्ता, पे प परंदा। ठीक है, और आपने बे और पे से मजीद लफ्ज भी ढूंढने हैं कि इनसे और कौन कौन से लफ्ज शुरू होते हैं। और पोइम आपकी क्या है? पोइम आपकी है पानी बरसा छम छम छम। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी बच्चों। अल्लाह हाफिज़।